दोस्तों, क्या भारतीय वैज्ञानिक ही सोलर पैनल्स के लिए खतरा पैदा करने जा रहे हैं? और वो भी कोई छोटा मोटा खतरा नहीं, एक ऐसा खतरा जिसकी वजह से सोलर इक्विपमेंट्स की सेल्स कई गुना गिर सकती है। लेकिन अगर हम कहें कि ये खतरा वरदान भी साबित होने वाला है, तो दोस्तों क्या आपने ग्रीन हाइड्रोजन का नाम सुना है? और अगर हाँ, तो क्या आप जानते हैं कि ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने के लिए सोलर प्लांट्स लगाए जाते हैं? अब आप ये तो समझ ही गए होंगे कि इस वीडियो में हम ग्रीन हाइड्रोजन की बात करने जा रहे हैं, और ये भी हमने कह दिया है कि ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के लिए सोलर पैनल्स का इस्तेमाल होता है। तो आपका सवाल होगा कि जब ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन सोलर पैनल्स पर निर्भर करता है, तो ये सोलर पैनल्स के लिए खतरा कैसे होगा? तो दोस्तों घबराइए नहीं, ये पूरी बात आपको डिटेल में और सरल भाषा में समझाएंगे इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। ये आपके लिए केवल एक सेकंड का काम है, लेकिन ऐसा करने से आप हमारे कंटेंट और हमारे प्रयास में जान फूंक देते हैं। दोस्तों आइए पहले जान लेते हैं कि ग्रीन हाइड्रोजन क्या है। ग्रीन हाइड्रोजन एक तरह की स्वच्छ ऊर्जा है जो रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सोलर पावर का इस्तेमाल करके पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बांटने से पैदा होती है। बिजली जब पानी से होकर गुजरती है तो हाइड्रोजन पैदा होती है। ये हाइड्रोजन कई चीजों के लिए ऊर्जा का काम कर सकती है। अब क्योंकि हाइड्रोजन बनाने में इस्तेमाल होने वाली बिजली रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स से आती है, तो लिहाजा इससे प्रदूषण नहीं होता, इसलिए इसे ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं। दोस्तों अब भारत के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा आविष्कार किया है जिसकी मदद से लोग अपने घरों में भी ग्रीन हाइड्रोजन पैदा कर पाएंगे, और हाइड्रोजन की गाड़ियों के लिए घर में ही ईंधन को प्रोड्यूस किया जा सकेगा। अभी तक ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने के लिए इलेक्ट्रोलाइजर की जरूरत पड़ती है, और इस इलेक्ट्रोलाइजर को चलाने के लिए कई मेगावाट बिजली की जरूरत होती है, जिसके लिए कई एकर्स में सोलर फार्म्स लगाए जाते हैं। सोलर फार्म्स ना केवल बड़ा इन्वेस्टमेंट लेते हैं, बल्कि इनके रखरखाव में भी काफी बड़ा खर्चा शामिल होता है। यही वजह है कि आज की डेट में एक किलोग्राम ग्रीन हाइड्रोजन की कीमत 350 से 400 के आसपास है। अब इस कीमत को कम करने के लिए अलग अलग तरीकों पर काम किया जा रहा है, लेकिन हाल ही में भारतीय वैज्ञानिकों को इसमें काफी बड़ी सफलता मिली है। इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी कि INST के वैज्ञानिकों ने एक ऐसी टेक्निक को डेवलप किया है जिसमें केवल सूरज की रोशनी से ही ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस की जा सकती है। कमाल की बात यह है कि इसमें ना ही सोलर प्लांट्स और ना ही किसी इलेक्ट्रोलाइजर की जरूरत है, बल्कि इसमें केवल सूरज की रोशनी में केमिकल रिएक्शन से ग्रीन हाइड्रोजन पैदा की जा सकती है। INST के साइंटिस्ट इस ग्रीन हाइड्रोजन को एक रिएक्टर की मदद से बनाते हैं, और इस रिएक्टर को पूर्ण रूप से भारत में ही डिजाइन, डेवलप और मैन्युफैक्चर किया गया है। अब क्योंकि ये एक छोटा एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट था, इसलिए लैब के हिसाब से एक छोटा रिएक्टर ही डेवलप किया गया था, लेकिन छोटा होने के बावजूद ये रिएक्टर 8 घंटों में 6 लीटर ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर सकता है। इस प्रोसेस को फोटोकैटालिटिक वाटर स्प्लिटिंग कहा जाता है, और इस पूरे प्रोसेस में केमिकल का इस्तेमाल पानी से हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने में होता है। और कमाल की बात यह है कि एक ऐसा केमिकल है जो धरती पर काफी अधिक मात्रा में मिलता है, और ये केमिकल है कार्बन नाइट्राइड। जिस रिएक्टर को वैज्ञानिकों ने डेवलप किया है उसमें यूरिया और मेलामाइन का भी इस्तेमाल होता है, और ये दोनों ही केमिकल काफी सस्ते और इजीली अवेलेबल होते हैं। इनफैक्ट वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया ये रिएक्टर इतना सस्ता और छोटा हो सकता है कि भविष्य में इस रिएक्टर पर बेस्ड छोटी छोटी मशीन्स घरों में इस्तेमाल की जा सकती हैं। जैसे हमारे घरों में RO मशीन्स इंस्टॉल होती हैं खारे पानी को मीठा बनाने में, उसी तरह भविष्य में घरों में इंस्टॉल करने लायक हाइड्रोजन मशीन भी इसी प्रिंसिपल पर बनाई जा सकेगी। दोस्तों अब आप शायद RO को हाइड्रोजन मशीन से कंपेयर करना सही ना माने, क्योंकि हाइड्रोजन एक ज्वलनशील गैस है, पर ज्वलनशील तो LPG सिलेंडर भी होते हैं जिनका इस्तेमाल हम अपनी किचन में करते हैं। तो हाइड्रोजन डेवलप करने वाली मशीन्स को भी इतना सेफ बनाकर घरों में उपयोग किया जा सकेगा। भारत में डेवलप्ड ये इतनी क्रांतिकारी टेक्नोलॉजी है कि इसका इस्तेमाल रिमोट और अलग थलग पड़े गांव तक में किया जा सकेगा, जहां बिजली पहुंच पाना काफी मुश्किल होता है।
इस रिपोर्ट में बताया गया है कि INST के साइंटिस्ट इस तकनीक को और रिफाइन करने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे हाइड्रोजन का प्रोडक्शन और बढ़ाया जा सके। इसके अलावा इस टेक्नोलॉजी को कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए भी तैयार किया जा रहा है, जिससे इस रिएक्टर को छोटे से छोटा बनाया जा सके, इतना छोटा कि हाइड्रोजन ट्रक जैसी कमर्शियल गाड़ियों में इन्हें सिलेंडर की जगह फिट किया जा सके। सोचिए, अगर ऐसा हो सका तो ट्रक्स पर लगे ऑनबोर्ड रिएक्टर्स लगातार हाइड्रोजन जनरेट करते रहेंगे। दोस्तों, अल्टीमेटली हाइड्रोजन ही पेट्रोलियम को रिप्लेस करेगी, और अभी के हिसाब से ग्रीन हाइड्रोजन केवल सोलर पैनल से ही जनरेट की जा सकती है। तो अगर ये रिएक्टर्स कमर्शियली मार्केट में आ गए तो जाहिर तौर पर ऐसे सोलर पैनल्स की जरूरत नहीं रहेगी और सोलर पैनल्स की बिक्री भविष्य में कम हो जाएगी। अभी भी शायद कई लोगों को भारतीय वैज्ञानिकों की इस खोज पर भरोसा ना हो, इसलिए उन लोगों के लिए इस आर्टिकल का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हैं। और हाँ, अगर आप इन लोगों में से नहीं हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करके हमारे वैज्ञानिकों के लिए मेड इन इंडिया जरूर लिख दीजिएगा। दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि हमारे वैज्ञानिकों की उपलब्धि दुनिया भर में पहुंच सके। वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।